नया फोल्डर बना लेता हूँ, 8. ES6 भी साथ में मेंशन कर दूँ मैं, ES6 एरे ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने वही वाला ऑब्जेक्ट दोबारा यहाँ पे रख दिया लाके, ये मैंने क्या कर दिया, ये वही वाला ऑब्जेक्ट मैंने दोबारा यहाँ पे लाके रख दिया है। और इसमें आप देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होगी। अच्छा इसकी मैं कुछ ना वो भी कम कर देता हूँ, नेम रोल और एज 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक मैंने की कम कर दी है ताकि ज़रा ये थोड़ा सा ना सिंपल हो जाए। अच्छा इसको जो मैं प्रिंट करवाता था अलग अलग, अब ये अलग अलग प्रिंट करवाने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एक साथ ही प्रिंट करवा देता हूँ। कॉन्सोल डॉट लॉग स्टूडेंट 1, सही है। बहुत ही सिंपल सेटअप है, मेरे पास एक अदद ऑब्जेक्ट है और उसको मैंने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया हुआ है। अच्छा अब क्या होता है जी कि मैं यहाँ पे ना एक बनाता हूँ लेट स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। हमने ये बात देखी थी पहले कि किसी भी वेरिएबल को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसको हम क्या दे सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल दे सकते हैं, ठीक है, या उसको हम नंबर लिटरल दे सकते हैं, ठीक है, या मैं उसको कोई नंबर वेरिएबल दे सकता हूँ, ठीक है। माई नंबर के नाम से इस वक्त कोई वेरिएबल मौजूद तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से कोई वेरिएबल मौजूद होता तो मैं इसको दे सकता था, ठीक है। तो इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी दे सकता हूँ, ठीक है, या मैं ऑब्जेक्ट लिटरल। अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने क्या दिया है, इसको ऑब्जेक्ट लिटरल दिया है मैंने। आप नोट कीजिएगा ये वेरिएबल जब मैंने बनाया है लेट स्टूडेंट 1, तो इसके आगे मैंने जो चीज़ दी है इसको, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिटरल, सही है। कोई भी जैसे स्ट्रिंग हम डायरेक्ट लिखते हैं जब, तो स्ट्रिंग लिटरल है, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ तो ऑब्जेक्ट लिटरल कहलाएगा वो। अच्छा अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट लिटरल के साथ साथ ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी दे सकता हूँ। स्टूडेंट 1 मैंने दे दिया। अब लिहाजा क्या हुआ कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था ओरिजिनल जो कि मैंने बनाया था लिटरल के साथ, एक दूसरा वेरिएबल बना के मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसमें डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा अब मैं दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, अगर स्टूडेंट 1 को और स्टूडेंट 1 की जो कॉपी है, तो दोनों में सेम चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा आके इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा ये तो मैंने वो कर दिया ना, दूसरा बना लिया अभी। अच्छा इसमें मैंने कोई हेडिंग नहीं डाली है, वेल अभी हेडिंग डाल लेते हैं। तो ये दोनों के अंदर जो कॉन्सोल आया ना मेरे पास, ये लाइन नंबर 21 और लाइन नंबर 22 से, ये दोनों में बिल्कुल सेम डेटा मेरे पास नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, एक दूसरे की एक्चुअली ये कॉपी है, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं, तो ये हो गया जी, मसला हल हो गया मेरा। अब मैं इन दोनों को कॉन्सोल पे प्रिंट करवाने के बाद क्या करता हूँ, अच्छा ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉपी है, एक ही वेरिएबल की दो इंडिपेंडेंट कॉपीज़ हैं, तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट कॉपी के अंदर जो मेरा कॉपी आ गया, स्टूडेंट कॉपी के अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट कॉपी के अंदर जो नेम है ना, उसको आप कर दो मलिक, ठीक है। पहले इसमें ओरिजिनल में अली था, ज़ाहिर है मैंने इसी को उठा के इसमें डाला है, तो ओरिजिनल में भी अली था और स्टूडेंट कॉपी में भी अली था, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, कॉपी वाले में कुछ चेंजेस कर दिए, उसके नाम को चेंज कर दिया। और नाम को चेंज करने के बाद मैं इस कॉपी को जब प्रिंट करवाऊँगा, स्टूडेंट कॉपी को, तो क्या हो जाएगा, वो नाम चेंज हुआ आना चाहिए, देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये शुरू वाले दो प्रिंट हैं, लेकिन जब मैंने लास्ट वाला जो प्रिंट देखता ना, उसमें नाम चेंज हो चुका है। अच्छा ये मैंने नाम चेंज करवा दिया, अभी तक सब कुछ ओके है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को उठा के उसकी एक कॉपी तैयार कर ली, दोनों को प्रिंट कराया, दोनों में सेम डेटा था। फिर मैंने कॉपी में चेंजेस किए, मैंने ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है। और कॉपी को मैंने प्रिंट कराया, तो कॉपी जो है वो सही प्रिंट हो जाता है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ओरिजिनल को भी इसके साथ प्रिंट करवाता हूँ।
अच्छा कॉपी में क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं तो इसकी वजह से ओरिजिनल में तो कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ये क्या हुआ, ओरिजिनल में भी चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। ये देखें लास्ट के जो दोनों कॉन्सोल हैं दोनों में चेंज आ गया, हालांकि मैंने चेंज दोनों में नहीं किया था, मैंने सिर्फ कॉपी के अंदर चेंज किया था। अच्छा इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल में भी कोई एक चेंज कर देता हूँ जो कि स्टूडेंट वन के नाम से मेरा ओरिजिनल डेटा है। अब इसमें मैं जाके चेंज करता हूँ कि इसकी जो एज है वो क्या हो जाए 30 मिसाल के तौर पर कर दी मैंने। तो क्योंकि मैंने ओरिजिनल में चेंज किया था तो कॉपी में कोई चेंज तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसका क्या होगा रिजल्ट कि कॉपी में भी मुझे ये चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऊपर दोनों में 24 था, नीचे दोनों में 30 हो गया। हालांकि किसी एक में किया था मैंने चेंज, दोनों में तो नहीं किया था, दोनों में हो गया। अब कौन मुझे ये बताएगा कि ये फेनोमेना ऐसा क्यों हो रहा है? हमने वो जो इक्वेशन जो दी है ना सर, ये प्रिंट है ऊपर सर, जो इक्वेशन दी है ना, लेट स्टूडेंट कॉपी इज इक्वल टू स्टूडेंट वन, ये तो इसको मैं अगर मैंने अब मेरा टास्क एक्चुअली ये है कि इन दो वेरिएबल्स को ना मैंने ये इंडिपेंडेंट कॉपीज मुझे बनानी है, वो मैं कैसे करूं, क्या इसमें गलती अगर कोई मैंने की है तो वो बताएं उसको सही कर दें से क्या ये सही हो जाएगा। कोड बताओ, कोड क्या लिखूं इसमें। किसी का कोई ओपिनियन कि ऐसा हो क्यों रहा है आखिर? अच्छा ये होगा सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही, मैं यही सेम चीज़ अगर एक नंबर वेरिएबल के साथ करूं, ठीक है, मैंने यही सेम चीज़ क्या किया, इसको पूरे को कमेंट किया मैंने थोड़ी देर के लिए, और मैं यही सेम चीज़ अब नंबर वेरिएबल के साथ करूंगा ना तो ये नहीं करेगा ऐसा। मैंने कहा लेट नम वन इक्वल्स टू 24, ठीक है, लेट नम कॉपी, ठीक है, इक्वल्स टू नम वन। मैंने क्या किया, एक नंबर बनाया उसको उठा के उसको एक कॉपी में डाल दिया, दोनों को कंसोल करा लेते हैं, नम वन और नम कॉपी, सही है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यार नम कॉपी जो है ना उसको क्या कर दो, उसमें कुछ चेंजेस कर दो, उसको कर दो 10, और मैं अगेन दोनों को प्रिंट कराता हूँ। तो क्योंकि मैंने चेंजेस को चेंज जो किया मैंने सिर्फ कॉपी में किया है, ओरिजिनल वाले में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो ओरिजिनल वाला इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, ओरिजिनल वाला क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। 24 24 24 10 सिर्फ लास्ट वाले में चेंज आया जो कि कॉपी जहाँ पे प्रिंट करवाई है मैंने। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं ओरिजिनल नंबर में चेंज करता हूँ तो वो भी उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कॉपी में देखो चेंज कर दिया ना, अब मैं आके ओरिजिनल नंबर को चेंज करता हूँ, नम वन मैंने कहा कि आप हो जाओ 99, सही है। तो अब देखिए वो 10 भी छिड़ा नहीं है, 99 की वजह से 10 नहीं छिड़ा, तो मैंने ओरिजिनल में अलग चेंज किया, कॉपी में अलग चेंज किया, और दोनों चेंज अपनी अपनी जगह मौजूद है। तो इट मींस कि जब मैं ये काम नंबर वेरिएबल के साथ करता हूँ तो नंबर वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉपीज बनते हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यही सेम काम जब मैं ऑब्जेक्ट के साथ करता हूँ तो समहाउ वो आपस में टैंगल्ड हो जाते हैं, और एक में चेंज करो तो दूसरे में भी चेंज आता है, और दूसरे में चेंज करो तो पहले में चेंज आता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर इसको मैंने प्रिंट करना प्रिवेंट करना है इस बिहेवियर को, तो हाउ कैन आई डू दैट, कांस्टेंट कर दूं इसको मैं, कांस्टेंट करके देख लेते हैं। ये आप कह रहे हैं इस लेट को मैं कांस्टेंट कर दूं, ओरिजिनल को कांस्टेंट कर दिया ताकि इसमें कोई चेंज ना आए, चेंज नहीं। अच्छा करके देख लेते हैं, अभी भी चेंज वही है, रिजल्ट बिल्कुल सेम वही है। पब्लिक प्राइवेट इसमें होता ही नहीं है, मतलब हो जाता है लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट हम अभी वो आगे की स्टोरी है उसका ताल्लुक, दोनों को मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश करूँगा रिजल्ट अभी भी वही है। अच्छा क्योंकि एरे को जब आप कॉन्स्टेंट, अभी तो हमने कॉन्स्टेंट का डिस्कस नहीं किया यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट क्या चीज़ होती है, लेकिन एरे या ऑब्जेक्ट को जब हम कॉन्स्टेंट भी कर देते हैं तो वो उसके इंडेक्सेस के अंदर चेंज किया जा सकता है, उसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब कांस्टेंट करते हैं ना रीअसाइन नहीं किया सकता। वेल कांस्टेंट को हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी कांस्टेंट की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं वापस लेट कर रहा हूँ। तो कांस्टेंट करने से बाहर आ ये मसला हल नहीं हुआ। अब ये मसला दो सवाल हैं कि ये मसला क्यों आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न इन द फर्स्ट प्लेस, और अगर इसको मैंने प्रिवेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा। जितने लोगों को पहले से थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है,
अच्छा बाय द वे ये वो मसला है तो अच्छे अच्छे डेवलपर के ना आंसू निकलवा देता है, ये वो वाला मसला है। तो ये बेहतर ये है कि इस मसले को अभी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करते हैं ना जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हुए जो वो ये अच्छा इशू तो कुछ भी नहीं है, ये असल में इसका एक रूल है समझ लें, जावास्क्रिप्ट का एक ये प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल ज़्यादातर लोगों को पता नहीं लगता, तो जब वो काम करने बैठते हैं वो ये चीज़ होती है उनके साथ, वो बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है, अब वो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं उनको, वो क्योंकि ये बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनको वो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। और वो वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, यार मैं वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही, क्यों नहीं हो रही है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, डेटा नहीं डिस्प्ले हो रहा, इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो सारा का सारा काम होगा वो होगा तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही होगा ना, ठीक है। नंबर वेरिएबल भी होते हैं इस्तेमाल, लेकिन मोस्टली ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। जब डेटाबेस से मेरे पास कोई वैल्यू, जब डेटाबेस से मैं डेटा मंगवाता हूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट की सूरत में रिटर्न करता है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से ज़ाहिर है अब जैसे यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट है जो साइन अप करता है ना यूज़र, तो डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो जब मैं मंगवाता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट की सूरत में मिलता है वो। ये जितनी भी सर्वर के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए होती है। और जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो इतना पॉपुलर है, इसको कहते हैं जेसॉन, नाम शायद आपने सुना हो, ठीक है। तो ये जो जेसन है ना, ये इतना पॉपुलर है कि सर्वर की कम्युनिकेशन जहाँ पे भी होती है ना, रेस्ट APIs जो लिखी जाती हैं तो उसमें जेसन में बैक एंड फोर्थ बात जो हो रही होती है सर्वर से क्लाइंट की, वो जेसन में हो रही होती है। तो जेसन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने का जो अंदाज़ है कि जी ये ऐसे ब्रैकेट लगी और ऐसे ब्रैकेट ख़त्म हुई और की है उसके आगे वैल्यू है फिर कॉमा है फिर दूसरी की है फिर वैल्यू, तो दिस नोटेशन दिस अंदाज इज़ कॉल्ड जेसॉन। तो ये इस नोटेशन के ऊपर जो है ना, ये जितनी भी इस वक्त दुनिया के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं उन तमाम लैंग्वेजेस में जेसन की सपोर्ट ज़रूर मौजूद है, आया कि या तो नेटिव या तो लाइब्रेरी के ज़रिए, ठीक है। जैसे ये स्विफ्ट वगैरह के अंदर ना पहले बिल्ट इन इसमें नहीं होती थी सब, जो स्विफ्ट यानी जिस पे आईफोन की एप्लीकेशन बनती है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें बिल्ट इन नहीं होती थी लेकिन लाइब्रेरी लेवल पे होती थी, अब उन्होंने बिल्ट इन उस पे दे दी है। अच्छा इसी तरीके से जो पाइथन है, पाइथन में भी बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है इसकी लेकिन लाइब्रेरी लेवल पे इसकी सपोर्ट मौजूद है, लाइब्रेरी के ज़रिए इसकी सपोर्ट होती है। तो दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें ये जेसॉन ज़रूर मौजूद है। तो दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर। अच्छा नोटेशन सही है, तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही, नोटेशन वोटेशन किया वो ऑब्जेक्ट ही एक्चुअली पूरा। अच्छा अब ये क्यों हो रहा है भाई, इसको सुन लो, अब क्यों हो रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी, क्योंकि ये जो हम बात पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जैसे एरे हमने पढ़ा था, एरे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शायद डिफरेंट हो लेकिन होगा ज़रूर। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट है ना जो, ये भी दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा ज़रूर। जैसे सी लैंग्वेज में इसका नाम, इसको कहते हैं स्ट्रक्ट, है यही चीज़ वो, ठीक है, नाम उसका उन्होंने स्ट्रक्ट रखा हुआ है लेकिन है वो यही चीज़। तो वो हर प्रोग्राम, जैसे अब पाइथन में इसका नाम रखा हुआ है उन्होंने डिक्शनरी, पाइथन में भी ये मौजूद होता है, इसको बोलते हैं डिक्शनरी वो। तो दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये होगा ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये हो ना, नाम थोड़ा सा शायद आगे पीछे कर दें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे कर दें, तो ये हर में होगा। अच्छा तो दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सगे एक होते हैं सौतेले। जैसे जो नंबर, अच्छा इसको इसका टेक्निकल नाम है प्रिमिटिव, आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये स्पेलिंग सही लिखी है, प्रिमिटिव। तो एक होता है प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव है ना वो कौन सा वाला है, वो नंबर और स्ट्रिंग बूलियन, सही है। ये जो है ना ये इसके सगे वेरिएबल हैं जावास्क्रिप्ट के, सही है, जिसको हम कहते हैं ये प्रिमिटिव है। अच्छा एक होता है जी नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में हम जो डेटा टाइप्स इस वक्त डिस्कवर कर रहे हैं उसके अंदर एरे और ऑब्जेक्ट जो है ना ये नॉन प्रिमिटिव है। अच्छा नॉन प्रिमिटिव का, या मैं सगा सौतेला तो मैं ऐसे मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ ये, लेकिन असल बात ये है कि जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं ये उस तरह के वेरिएबल्स होते हैं जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है वो।
नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं ना वो असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, लेकिन उसको बाद में ऐड किया गया होता है, ठीक है। बाद में वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये जो नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि ये खुद कोई चीज़ नहीं होते एक्चुअल, इसके पीछे ये नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन ही होता है। आप जैसा कि आप नोट करें यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो बना हुआ है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसमें क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, और बूलियन भी हो सकता था। जैसे मैं इसमें अगर लगा दूँ इज एक्टिव, ठीक है, इज एक्टिव, तो ये बूलियन है। तो ये असल में तीन पे ही बेस कर रहा है, ये कोई अपना इटसेल्फ कोई चीज़ है नहीं, ये है ना। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। अभी हम और भी कंस्ट्रक्ट्स आगे देखेंगे कि जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, जस्ट एक कंस्ट्रक्शन है और बिल्ट इन उसके पीछे वही चीज़ चल रही है जो प्रिमिटिव है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें इसने बना के दिए तो लिहाजा इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, आप अगर इवन जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था कि भाई एरे के अंदर किसी इंडेक्स में एक दूसरा एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में भी ऐसा हो सकता है कि जी ऑब्जेक्ट में जो है ना मैंने कहा कि यार ए बी सी करके और एक पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने दे दिया। अभी इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करते, इसको अभी हम यहाँ रोक देंगे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी वही होगा, नंबर होगा, ठीक है, या स्ट्रिंग होगा या बूलियन होगा, कोई चौथी चीज़ इसके अंदर भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर भी वो इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, वो स्टिल एक कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स, यानी एरे और ऑब्जेक्ट। अच्छा, या सौतेले वेरिएबल, याद रखने के लिए आसानी के लिए, जब मैं क्या करता हूँ किसी वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल में, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव, कॉपी करने का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, सही है। अच्छा, जब ये सगे वेरिएबल को जब कॉपी किया जाता है ना तो ये क्या करता है, कॉपी बाई वैल्यू करता है, यानी कि इसकी वैल्यू को उठाता है और इसकी वैल्यू को यहाँ ले जाके रख देता है और आपस में एकदम इंडिपेंडेंट कॉपी तैयार होती है। वो ऐसा नहीं होता कि कोई कनेक्शन हो जाए बीच में, तो ये कॉपी बाई वैल्यू हो जाता है। लेकिन जब इस तरह से हम कॉपी करते हैं और ये जब एक नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल होता है, जब एक कंस्ट्रक्शन होती है, जब एक एक्चुअल वेरिएबल नहीं होता या सौतेला वेरिएबल होता है जब, तो ये इसको कॉपी बाई वैल्यू नहीं करता बल्कि क्या करता है, कॉपी बाई रेफरेंस करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉपी बाई रेफरेंस है ना, इसको डिफरेंट जगहों पे इसके डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में इसको पॉइंटर करके बोला जाता है, जावा में और जावा स्क्रिप्ट में इसको रेफरेंस बोल देते हैं हम, और वेल तो ये एक्चुअली क्या करता है, रेफरेंस, व्हाट इज़ रेफरेंस, व्हाट डज इट मीन बाय रेफरेंस, अलग अलग तो नाम या पॉइंटर, व्हाट डज इट मीन बाय पॉइंटर। हाँ, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की थी शुरू में कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, वो रैम मेमोरी में किसी जगह स्टोर होता है। अच्छा, हम बहुत जल्दी ये बात डिस्कस करेंगे कि रैम मेमोरी में वेरिएबल एक्चुअल में किस तरह स्टोर होते हैं। हम फिजिकली रैम को बना के ड्रॉ करके ना, ड्राइंग ऐप के ऊपर रैम को ड्रॉ करके हम देखेंगे कि रैम में एक्चुअली किस तरह वो स्टोर होती है वैल्यू, तो उसमें मज़ीद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वेल, हमारे पास जो रैम में ना ये वैल्यू स्टोर होती है बकायदा जाके। अच्छा, अब रैम जो होता है वो उसके अंदर आप इस तरह समझ लें कि रूम्स बने हुए होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 4 GB की रैम है आपकी, तो आप समझ लें कि उसमें 4 करोड़ रूम बने हुए हैं उस रैम के अंदर। अब वो रूम में, अब समझाने के लिए कह रहा हूँ, इंशाल्लाह डिटेल इसकी देखेंगे, तो वो कौन से रूम में इस वक्त ये वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है ना, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है। या उसका, उसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस भी कह सकते हैं, उसको हम पॉइंटर भी कह सकते हैं, ये सारे एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, पॉइंटर या मेमोरी का एड्रेस या रेफरेंस, ये तीनों असल में एक ही चीज़ का नाम है, जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो वो करते हैं कॉपी बाई रेफरेंस। अच्छा, कॉपी बाई रेफरेंस का मतलब क्या है, कॉपी बाई रेफरेंस का मतलब ये है कि देखें, जब मैं स्टूडेंट वन कहता हूँ ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब मैं ये बात लिखता हूँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो असल में कुछ नहीं हो रहा ना, असल तो कहानी चल रही रैम के अंदर पीछे। तो इस स्टूडेंट वन के अंदर क्या मौजूद है, इस स्टूडेंट वन को जब भी मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो असल में इस स्टूडेंट वन के अंदर ना वो कमरे का एड्रेस मौजूद है,
रैम के अंदर जो 4 करोड़ कमरे मौजूद हैं, 4 करोड़ रूम्स मौजूद हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उनमें से किसी एक रूम का एड्रेस यहाँ पे मौजूद होता है। तो जब मैं प्रिंट करता हूँ तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असल में इंस्ट्रक्शन ये मिलती है कि जाओ यार फला रूम से ये वैल्यू निकालो, इसको ग्राफिक ड्राइवर को दो और वो इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से पीछे सेटअप चल रहा होता है। तो जब ये कॉपी बाई रेफरेंस होता है ना, तो कॉपी बाई रेफरेंस में ये उसी रूम का एड्रेस दूसरे को पकड़ा देता है। ठीक है, अच्छा कॉपी बाई वैल्यू में क्या होता है? कॉपी बाई वैल्यू में ये होता है कि यार अगर चलो इसका इसका रूम नंबर था 24, है ना, इसका रूम नंबर 24 था, तो वो रूम नंबर 24 में जाता है, वहाँ से वैल्यू को उठाता है और वैल्यू को उठा के ना एक दूसरे रूम में शिफ्ट करता है। कौन से रूम में? जो कॉपी नंबर को भी जाहिर है एक रूम तो मिला हुआ है क्योंकि वेरिएबल क्रिएट हो चुका है वो। तो वो क्या होती है कि एक ही वैल्यू फिर दो रूम के अंदर अलग अलग स्टोर होती है। अब मैं इसको चेंज करूँ तो वो दूसरा रूम है, इसको चेंज करूँ वो दूसरा रूम है। यहाँ पे ऑन अदर एंड क्या हो जाता है कि ये कॉपी बाई रेफरेंस जब होता है तो वैल्यू रूम में डुप्लीकेट नहीं होती, एक ही रूम होता है जिसमें वैल्यू पहले से स्टोर है और उस रूम का एड्रेस इसको पकड़ा दिया जाता है। तो लिहाजा क्या होता है कि वेरिएबल तो दो हैं लेकिन दोनों वेरिएबल के पास जो एड्रेस मौजूद है वो एक ही रूम का मौजूद है। तो लिहाजा क्या होता है कि जब मैं स्टूडेंट वन को चेंज करता हूँ तो जब भी उसी जगह पे चेंज आता है, स्टूडेंट कॉपी को चेंज करता हूँ तो जब भी उसी जगह पे चेंज आता है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि दोनों आपस में टेंगल्ड है। टेंगल्ड नहीं है दोनों आपस में, असल में वैल्यू ही एक है, रूम ही एक है, वो दोनों को उसका एड्रेस लिखा हुआ है उसके पास। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ लें कि एक ही बैंक अकाउंट है और उसके दो क्रेडिट दो कार्ड हैं उसके। तो मैं इस कार्ड से पैसा निकालूंगा तब भी उसी अकाउंट से निकलेंगे, दूसरे से निकालूंगा तब भी उसी अकाउंट से निकलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों कार्ड कनेक्ट हो गए लेकिन पीछे असल में अकाउंट एक है वो। तो अब इसका क्या करें? ये तो चलो बात समझ आ गई कि अगर मैं नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल को अगर मैं कॉपी करता हूँ तो वो हमेशा कॉपी बाई रेफरेंस होगा। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव जावास्क्रिप्ट में कौन से हैं? एरे और ऑब्जेक्ट। तो एरे और ऑब्जेक्ट में ये फिनोमेना सेम देखने को मिलेगा, बाकियों में ये मसला नहीं आएगा ये एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, ये क्यों किया गया है? इसके डिज़ाइन रीजंस हैं, इसके जो कुछ इसके डिज़ाइन बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इस तरह से इन्होंने इसको सेटअप किया है। ठीक है, ये यूँ कह लें कि जिस ज़माने में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है तो उस ज़माने में इसका बड़ा रिवाज था रेफरेंस का। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी ना उसके अंदर रेफरेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो उस ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ था, तो इन्होंने भी उसी से शायद बोरो किया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेफरेंस से पहले जो पॉइंटर होता था जो सी लैंग्वेज के अंदर, वो ज़रा समझने के अतबार से ना बड़ा मुश्किल होता था। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आई तो उसके अंदर उन्होंने उस पॉइंटर को सिंप्लीफाई किया और उसको नाम दिया रेफरेंस का। चीज़ वही थी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मतलब कान को इस साइड से नहीं ज़रा घुमा के दूसरी साइड से पकड़ा उन्होंने, तो उसको रेफरेंस का नाम दिया जो बड़ा पॉपुलर हुआ उस ज़माने में। तो ये उन्होंने वहीं से बोरो किया ये रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने जो है ना इसको सेटअप तो कर दिया। वेल, अब हमने क्या करना है? हमने इसकी इंडिपेंडेंट कॉपी बनानी है। इसकी इंडिपेंडेंट कॉपी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? इसकी इंडिपेंडेंट कॉपी बनाना बहुत आसान है। देखें, मैंने ये कहा ना लेट स्टूडेंट वन, और इसके आगे मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए। जब ये कर्ली ब्रेसेस देखता है ना जावास्क्रिप्ट, तो जब ये रैम के अंदर एक नई मेमोरी लोकेशन बनाता है, जब ये कर्ली ब्रेसेस देखता है तो रैम के अंदर ये एक नई मेमोरी लोकेशन बनाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रोक देता हूँ ऐसे, और मैं क्या करता हूँ कि यार इसको इसी अंदाज से करता हूँ, लेट स्टूडेंट कॉपी इक्वल्स टू, और यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि यार नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट वन का नेम, ऐसे। तो ऐसे जब करके मैं बनाऊँगा तो ये क्या बनेगा? ये इंडिपेंडेंट कॉपी बनेगी स्टूडेंट वन का रोल, सही है, और एज स्टूडेंट वन का एज, सही है। जब मैं इसको इस तरह से करके कॉपी करूँगा, मैंने क्या किया, लेट स्टूडेंट कॉपी को एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, एक नए ऑब्जेक्ट के तौर पे बनाया, और इसके अंदर भी नेम रखा है मैंने, जो उसमें था ना नेम वही नेम इसमें भी रखा है मैंने, लेकिन नेम के अगेंस्ट वैल्यू जो है ना वो मैंने उस ऑब्जेक्ट के दरमियान से यूं उठा के यहाँ पे अपने पास लाके रखी है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो ये जब मैं उठा के लाऊंगा ना स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग है उसका प्रिमिटिव, तो उसमें ये बिहेवियर नहीं होता, तो वो सही रहेगा फिर। अच्छा, देखते हैं अब अगर ये मेरा काम सही हो गया अगर, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी सिर्फ नेम वाले को कर देते हैं, तो नेम मैंने कॉपी में चेंज किया, ओरिजिनल में चेंज नहीं होना चाहिए, सही है, सिर्फ कॉपी में चेंज होना चाहिए नेम, सही है। ये 4 कॉन्सोल हैं टोटल मेरे पास, बाकी के कॉन्सोल को मैंने रोक दिया।
ठीक है, तो अभी सिर्फ नेम जो है किसमें, एक में चेंज हुआ है, यानी शुरू वाले दो कॉन्सोल ये दोनों हैं ऊपर वाले, और लास्ट वाले दो कॉन्सोल ये दोनों हैं। तो आप देखें सिर्फ ये एक में चेंज हुआ, दोनों में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी काम को करने का ES6 के अंदर एक शॉर्टकट मौजूद है, जिसको मैं किस तरह करता हूँ, इसको भी मैं रोक देता हूँ, ठीक है। लेट स्टूडेंट कॉपी इक्वल्स टू, इसको करने का शॉर्टकट ये है कि मैं ऐसे बनाता हूँ। अच्छा, मुझे देखो एग्जैक्टली वही इसमें कीज़ रखनी है जो ओरिजिनल में थी, ठीक है, एग्जैक्टली वही कीज़ रखनी है मुझे, है ना, जो यहाँ पे स्टूडेंट वन में जो 1, 2 और 3 जो कीज़ हैं, मुझे एग्जैक्टली वही कीज़ रखनी है। तो ES6 के अंदर इसके लिए एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। मैं ऐसे करके स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा और मैं कर दूंगा स्टूडेंट वन, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ये काम हो जाएगा, इसका शॉर्टकट है जी, 3 डॉट्स है ये, स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं इसको। ये क्या करेगा, स्टूडेंट वन को ना यहाँ पे खोल के यूँ बिछा देगा, ठीक है, और वही काम करेगा एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पे ज़रा मुझे कोड हाथ से ज़्यादा लिखना पड़ा है, पीछे यही काम हो रहा है इसके एक्चुअली, लेकिन उसको एक शॉर्टकट ऑपरेटर उसके लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, दिस इज़ कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने काम किया है, इसकी इंडिपेंडेंट कॉपी बनाने का जो हमने प्रोसेस जो ये किया है, ठीक है, अच्छा, इसको इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं बोलते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोन। ये मैंने क्या किया है, ये इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं बनाई मैंने, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्लोन किया है, ठीक है, इसका टेक्निकल नाम है ये। और ये मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट, हाँ, ये 3 टाइम्स ही होंगे, हाँ, यस, यहाँ पे भी जो मैंने किया ये भी क्लोनिंग की है मैंने एक्चुअली, ठीक है, ये भी मैंने क्लोनिंग की है, ये मैंने एक्चुअली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को क्लोन किया है, ये समझ रहे हो, इसका टेक्निकल नाम है, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट कॉपी मैंने बनाई है, लेकिन इसको जो टेक्निकल नाम दिया गया ना, कि एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या बना लिया, उसका एक क्लोन तैयार कर लिया, या उसको क्लोन कर लिया आपने, सही है, इसके लिए टेक्निकल नाम है। तो ये वोकैबलरी आपको याद रखनी है, क्योंकि आप सब लोग इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये वोकैबलरी पता होनी चाहिए एटलीस्ट ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके गूगल पे आके लिखता हूँ कि जी ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे ना मुझे मल्टीपल वेज नज़र आ जाएंगे ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के। तो मैंने जो आपको बताया वो ES6 वाला तरीका बताया, लेकिन इसके अलावा भी ये सारे तरीके मौजूद हैं ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के, ठीक है, जिसमें ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, ये प्रिमिटिव एरे ओनली है, एरे क्यों लिख दिया इसने यार, वेल पता नहीं, शायद उससे टाइपो हो गया मे बी। अच्छा, सबकी इसने एग्जांपल भी लिखी है नीचे, एक एक की एग्जांपल भी लिखी है इसने, लेकिन अगर आपको एक भी बताओ तो गुड इनफ है, कोई एक भी अगर आपको बताओ तो गुड इनफ है, ठीक है। स्लाइस का एक फंक्शन है, स्प्लाइस का एक फंक्शन है, कॉनकैट है, जेसन डॉट पार्स करके भी ये क्लोन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लो डैश करके एक लाइब्रेरी है, सही है, उसमें भी एक फंक्शन मौजूद है इस लो डैश की लाइब्रेरी में। हमने लाइब्रेरीज अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं जावास्क्रिप्ट में, बाय द वे लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कि कुछ फंक्शंस बने होते हैं, लोगों ने लिखे रखे होते हैं, हम उस फंक्शन को जस्ट यूज़ करते हैं, तो हमने ना ही फंक्शन पढ़ा है अभी तक, ना ही लाइब्रेरी पढ़ी है। वेल, तो एक लाइब्रेरी मौजूद है लो डैश, उसमें भी एक फंक्शन है, वेल सही है। तो हमने ये देखा कि जी ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के जो है वो मल्टीपल तरीके मौजूद हैं, जिसमें से हमने एक को एक्सप्लोर किया है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, अब यही सेम फिनोमेना जो है ना मेरे पास, जो मुझे ऑब्जेक्ट में देखने को मिला है, यही सेम फिनोमेना मेरे पास एरे में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एरे के अंदर भी इस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ नीचे, मैंने कहा कि यार नेम्स, ठीक है, एरे के नाम के साथ एस लगाते हैं, ये कन्वेंशन है, सही है। 3 मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए, नेम्स कॉपी इक्वल टू नेम्स, ठीक है। ये कॉपी बाई वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये करेगा इसको हटा देता हूँ, सही है, नेम्स एंड नेम्स कॉपी, सही है।
मैंने एक बनाया नेम्स, एक बनाया नेम्स कॉपी, दोनों को कंसोल कराता हूँ, दोनों में इस वक्त सेम डेटा आना चाहिए, इस वक्त दोनों में सेम डेटा है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार नेम्स कॉपी डॉट पुश, ठीक है, मिसाल के तौर पे मलिक, ठीक है, तो मैंने कॉपी में पुश किया, लेकिन अगेन मैं जब दोनों को कंसोल करवाऊँगा तो ये दोनों में आ चुका होगा, ठीक है, दोनों में आ चुका है, कॉपी में भी आ चुका है, ओरिजिनल में भी आ चुका है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं पॉप कर देता हूँ इसको, पुश की जगह मैं पॉप चलाता हूँ, सही है, तो ये क्या होगा, दोनों पे चल जाएगा पॉप, सही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, जब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को उठा के मैंने कॉपी में डाला, तो ये एक्चुअली जो रूम का एड्रेस नेम्स के पास था उसने वही नेम्स कॉपी को पकड़ा दिया। तो इस वेरिएबल को चेंज करूं या इसको चेंज करूं, दोनों के पास एक ही रूम का एड्रेस है, तो मैं एक पे पॉप चलाता हूं तो मुझे दूसरे पे इसलिए वो फील हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह है कि जी मैंने एक बैंक अकाउंट है, उसके दो कार्ड हैं एक ही बैंक अकाउंट के, तो मैं एक से पैसे निकालता हूं और मैं दूसरे से जब बैलेंस चेक करता हूं तो कम हुआ हुआ होता है, ठीक है, तो ये उस तरह वाला सीन हो गया है यहाँ पर। अच्छा इसको भी हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या है, कॉपी बाई रेफरेंस है, ठीक है, कॉपी बाई रेफरेंस है ये। अच्छा लिहाजा मैं इसको क्या करूँगा, नेम्स कॉपी इक्वल्स टू करके ये मैंने बनाया एरे, ठीक है, और एरे बना के स्प्रेड कर दिया इसको मैंने नेम्स, ठीक है। अच्छा स्प्रेड ऑपरेटर इसीलिए मेरा फेवरेट है कि ये एरे और ऑब्जेक्ट में दोनों में सेम तरह से काम करता है, जस्ट देखें इसमें ब्रैकेट का डिफरेंस है, अंदर वही कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो एरे और ऑब्जेक्ट पे ये इवनली काम करता है, बिल्कुल सही काम करता है। बाकी जो दूसरे स्लाइस वगैरह हैं वो शायद थोड़े से डिफरेंट है एरे और ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको ये मैंने कर दिया एरे को क्लोन कर दिया मैंने, सही है, इंडिपेंडेंट कॉपी इसकी बनाई है मैंने, लेकिन इसका टेक्निकल नाम है क्लोनिंग। तो ये मैंने एरे की क्लोनिंग कर दी है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में उसको क्लोन किया मैंने, जैसे github.com से हम उठा के लाते हैं तो हम एक्चुअली क्लोन कर रहे होते हैं। अच्छा क्लोन github में भी जो हम क्लोन कहते हैं ना, उसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न ये है, और यहाँ पे भी जो हम क्लोन कह रहे हैं, क्लोन सब लोगों को पता नहीं किस चीज़ को कहते हैं, क्लोन अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, कोई बताए प्लीज़ मुझे। चाइना हर चीज़ का क्लोन बना देता। कॉपी में और क्लोन में क्या डिफरेंस होता है, कॉपी में और क्लोन में डिफरेंस होता है, कॉपी में और क्लोन में, अंग्रेजी में कॉपी और क्लोन दो अलग अलग वर्ड हैं और इसकी मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ही है बल्कि ज़्यादा ही आई थिंक। गूगल से पूछते हैं वो क्या बोलता है इस बारे में, वो क्लाउन होता है, उसकी स्पेलिंग अलग है, वो CLOWN होता है, सही है, और ये CLONE है, सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड कॉपी, मतलब प्रॉपर्टीज को वो मिंगल कर देना, दो चीजें सब क्लोन्स में तो फंक्शनैलिटी इंक्लूड होगी, कॉपी में नहीं। प्रॉपर्टीज को सर वो मैच कर देना बोला। वेल ये तो असल में क्लोनिंग जो है ना वो वर्ड यूज़ होता है मेडिकल साइंस के अंदर ना, ठीक है, और या तो ये जावास्क्रिप्ट में होता है, तो वो जवाब ना असल में ये वाला आ रहा है, कोई जनरल किस्म का जवाब ना यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं वो भी असल में डेटा तो यही है ना उसके पास भी, तो कोई जनरल किस्म का जवाब देखने को नहीं मिल रहा। तो वेल यहाँ पे कुछ एक जवाब आया, उसको देखते हैं, कह रहे हैं कि द क्लोन इज अ टर्म रिलेटेड टू लिविंग थिंग वेयर टू और मोर सच बींग्स हैव एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक डीएनए। कह रहे हैं कि यार ये मेडिकल साइंस में तो इसको ये बोला जाता है कि अगर दो लिविंग थिंग हैं और दोनों का डीएनए लेवल पे दोनों बिल्कुल सेम है, डीएनए लेवल पे ये दो, मतलब इतने जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनका डीएनए सेम हो। डीएनए हर बंदे का अलग होता है और हर एनिमल का अलग होता है, ठीक है, और इवन जो जड़वा बच्चे होते हैं उनका भी डीएनए अलग अलग होता है,
डीएनए उनका भी अलग अलग होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि शक्ल बिल्कुल सेम है, वो शक्ल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस होती है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई ना कोई चीज़ डिफरेंस होगी, लाजमी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डीएनए दोनों का सेम हो, ठीक है। अच्छा, और इवन बाप बेटे का भी जो डीएनए है ना वो काफ़ी हद तक सेम होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस उसमें होती हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो कह रहे यार मेडिकल साइंस में ना दो लिविंग थिंग के बारे में अगर उनका डीएनए लेवल पे वो बिल्कुल सेम हो तो वो उसको ना कहते हैं कि क्लोन है ये, ठीक है। अ कॉपी वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस। अब कह रहे हैं कि वो कॉपी है ना वो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये वो रेफरेंस की जो बात कर दी ना ये प्रोग्रामिंग साइड पर चला गया ये। अच्छा, तो अब ज़रा इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज़रा जनरल लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँ कि ये कॉपी क्या चीज़ होती है और क्लोन, ये दोनों अंग्रेजी ज़ुबान में इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। कॉपी असल में क्या होता है कि जी किसी की कोई आदत है वो मैंने कॉपी कर ली, सही है। या मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई बात लिखी हुई थी, मैंने उसको अपने पास कॉपी कर ली, मैंने भी अपने पास लिख लिया उस बात को, देख के लिख लिया, तो ये कॉपी है, ठीक है। अच्छा, क्लोन ऑन अदर हैंड क्या होता है कि जी कहीं पे कोई बोर्ड था, आपने उसका एग्जैक्ट कॉपी बना ली जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी उससे मैच करता है। जैसे लोग पासपोर्ट दो नंबर बनाते हैं, वो क्या होता है, वो पासपोर्ट का क्लोन होता है, वो कॉपी नहीं होती। वो क्या होता है, उसको क्लोन करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कॉपी ऑन अदर एंड क्या होता है, कॉपी ये होता है कि यार मैं बस एक पर्चा लेता उसको ग्रीन कलर मारता उस पर, लोगो थोड़ा सा देखता ऐसे दूर से हाथ से, मैं अभी लोगो ड्रॉ करता और हो जाता, तो वो कॉपी होता, ठीक है। क्लोन ऑन अदर एंड क्या होता है, एग्जैक्ट सेम चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं, जो हम जो मोटरसाइकिल का जो पेपर होता है उसका जो हम कलर प्रिंट अपने जेब में रखते हैं ना, कलर प्रिंट करवाते हैं ना उसका सब लोग। yes, तो अब पता नहीं यहाँ का तो मुझे नहीं पता, कराची में कोई भी ओरिजिनल पेपर ही नहीं रखता मोटरसाइकिल के, पता नहीं क्या चक्कर है। गाड़ी में रखते हैं ओरिजिनल, लेकिन मोटरसाइकिल में कोई भी ओरिजिनल पेपर नहीं रखता, सब कलर कॉपी बना के वो जेब में लेके घूमता है। अच्छा, नहीं होता फोन वो, आप यूँ रखेंगे तो पता लगता है कि अलग अलग ही। मोटरसाइकिल की जो कलर कॉपी होती है ना वो आप यूँ रखेंगे तो पता लगता है दैट इज़ कॉपी, दैट इज़ नॉट अ क्लोन। अच्छा, क्लोन अगर होगा ना तो फिर आपको फिर वही एग्जैक्ट पेपर चाहिए होगा जिस पेपर का ओरिजिनल वाला बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्लोन करने वाले भी बैठे हुए हैं दो नंबरियाँ करने वाले, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं जिसमें से मैंने एक बाइक के शोरूम पर भी काम किए, बाइक बेचने वाला जो शोरूम होता है, तो वो अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल होती थी ना जिसका पेपर नहीं है तो वो उसके लिए बड़ी डिज़ायरेबल होती है, एक डीलर के लिए ना बड़ी डिज़ायरेबल होती है वो, यानी कॉपी गुम गई है कुछ, गिर विर गई है कुछ, तो वो उनके लिए बड़ी, क्योंकि वो कम पैसों में लेता है उससे वो, और या तो उसकी सिविक सेंटर से जाके कॉपी बनवा लेता है जो डुप्लीकेट है, अगर वो नहीं निकल पाता तो वो जो दो नंबर बंदे हैं उनसे बोलता है कि यार बस ये है तो सही बना दे, ठीक है। अच्छा, वो उस पर कोई एलिगेशन भी नहीं लग सकती, वो इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि था ना ओरिजिनल पेपर, गुम गया वो, या फर्स्ट पेज नहीं होता कभी, तो बड़ी डिज़ायरेबल। अब तो खैर वो मसला ख़त्म कर दिया, अब उन्होंने वो कार्ड सिस्टम कर दिया, तो क्या कहते हैं वो क्लोन वो वाला होता है कि जिसको देख के ना पता ना लगा सकें कि यार ये दोनों बिल्कुल सेम हो, पता ना लग सके, यानी ओरिजिनल के साथ भी मिक्स कर दूं तो पता ना लगे क्या हो। अच्छा, गिटहब से जो हम क्लोन करते हैं उसको क्लोन क्यों कहते हैं, उसको क्लोन इसलिए कहते हैं कि गिटहब से जब हम चीज़ डाउनलोड करके इधर ले आते हैं ना तो वो गिटहब से ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ भी रहती है वो, और वो एग्जैक्ट वही होती है जो यहाँ मेरे पास आई है। ऐसी होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पे कुछ कॉन्सोल लगाया था वो जब क्लोन हुआ तो वो चेंज हो गया, वो हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, और उसमें गिट की प्रॉपर्टीज़ भी सारी वही होती हैं, यानी जितनी मैंने कमिट्स किए हैं, जितना भी कुछ मैंने उसमें जो वर्क किया हुआ है वो सारा का सारा उसके साथ रहता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे github.com पे पूरी हिस्ट्री आ रही होती है ना कि जी कब कब आपने कौन कौन सी कमिट की है, क्या किया है, तो जो जो चीज़ें आपको github.com पे नज़र आ रही होती है ना वो सारी इस फोल्डर में, वो जो छोटा सा डॉट गेट होता है ना उसमें मौजूद होती है, तो एग्जैक्ट क्लोन होता है। अच्छा, मैं इस रिपॉजिटरी को जो क्लोन किया है ना मैंने, यहाँ से क्लोन करके किसी दूसरे github.com पे पुश कर दूँ तो सेम हो जाएगी दोनों, कोई भी फ़र्क नहीं होगा उसमें, एक बिट का भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि क्लोन में और कॉपी में एक डिफरेंस ये होता है कि कॉपी जो है वो देख के, भाई किसी की आदत थी मैंने भी कॉपी कर ली वो आदत, लेकिन दैट इज़ नॉट अ क्लोन। अच्छा, यही वजह है कि वो जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं ये कि जी आर्टिफिशियली किसी, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अभी तो बंदा बंदे को क्रिएट करता है ना, मतलब बंदा बंदे को बनाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, एक बच्चा पैदा होता है और वो बड़ा होता है, तो इस प्रोसेस को यानी एक बंदे का डीएनए लेके और उससे पूरा बंदा बनाना, तो
तो इस प्रोसेस को ये क्लोनिंग कहते हैं। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे अभी कुछ अरसे से, उस पर बैन लगा हुआ है, कुछ इंटरनेशनल इदारे हैं जिन्होंने उस पर बैन लगा दिया है ना। ह्यूमन क्लोनिंग पे तो बिल्कुल ही बैन है, लेकिन वो एनिमल्स को उन्होंने कुछ क्लोन श्लोन किया था, वो फिर उनसे पता नहीं हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। शीप को क्लोन किया था ना, क्या नाम था उसका, शीप का एक नाम रखा था उन्होंने, हाँ डोरी था, फर्स्ट क्लोन्ड शीप, हाँ ये इसने ना डॉली बनाया था, ठीक है। 1996 में ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, जो इसको क्लोन किया था इन्होंने, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या प्रोसेस था इसका, ये कुछ दिखा रहे हैं कि जी ये बड़ा था और ये उससे जो है ना ये छोटा बना लिया इन्होंने, तो क्लोन कर लिया। तो वो उसका डीएनए लेके ना, उस डीएनए को ही समाओ पता नहीं ग्रो किया था, पता नहीं क्या किया था इन्होंने, वो आप डिटेल देखेंगे इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो ये क्या किया इसने, द फर्स्ट एनिमल मैमल हैव बीन सक्सेसफुली क्लोन फ्रॉम द एडल्ट सेल इज बॉर्न इन रॉजन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड ओरिजिनली कोड नेम 6LL3 द क्लोन्ड लैम्ब वॉज नेम्ड आफ्टर द सिंगर एंड एक्ट्रेस डॉली पार्टन। सही है, एक्ट्रेस का नाम मैं सोच रहा हूँ उसने एक्ट्रेस का नाम क्यों लिखा, उसकी एक्ट्रेस का नाम उसने क्यों दिया, क्रश होगी उसकी। खैर नहीं, वो टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। हमेशा मुझे क्लोन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जैसे इस स्कूल में टीचर को लेक्चर दे रहा है, तो उस लेक्चर को जो एग्जैक्ट उसने घुमाया है एक ही डंडी, तो आपको एग्जैक्ट घुमाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप जस्ट नोट कर लें तो गुड इनफ है, ठीक है, उसकी क्लोनिंग की ज़रूरत नहीं होती आपको। लेकिन हाँ, कोई सॉफ्टवेयर का कोड है उसकी आपको क्लोनिंग की ज़रूरत होती है, अगर उसमें एक डॉट भी ऊपर नीचे हुआ कोड नहीं रन करेगा, ठीक है। तो इसलिए गिटहब में उन्होंने क्लोन का वर्ड रखा है, कॉपी नहीं रखा, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे अब मैंने ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, अब इसमें ये कॉमा जो यहाँ लगा हुआ है ये यहीं लगना चाहिए अगर, तो वैसे आप कोई टीचर ने कोई मजमून लिखा हुआ है बोर्ड पर, इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई हो रही है कोई, उसमें अगर आपने ये कॉमा मिस कर दिया अगर, तो कोई मसला नहीं है, वो स्टिल रीडेबल है, स्टिल वैलिड है, स्टिल वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें अगर ये कॉमा मिस हुआ तो ये एरर ऐसी जैसी था। तो इस पर कोडिंग में आपको क्लोनिंग चाहिए होती है, कहीं लिखा हुआ कोड है उसको क्लोन करना पड़ता है, एग्जैक्ट कॉपी बनानी पड़ती है कि दोनों एक साथ रखें तो फ़र्क ना पता लगे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा इसकी कॉपी है, ठीक है। वेल, तो इस वजह से इसको टेक्निकल नाम एक दिया गया क्लोनिंग का, कॉपी का इसको नाम नहीं दिया गया, ठीक है। अब ये क्लोन क्यों इसको कह रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी डिटेल होती है जो कॉपी होना ज़रूरी है, वो प्रोटोटाइप्स होते हैं इसके अंदर कुछ, ठीक है। अब प्रोटोटाइप्स हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद से उसको डिस्कस कर सकते हैं, खुद से आप उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटो, कुछ प्रोटो के फंक्शन होते हैं वो हम बनाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ ऐड करते हैं। तो अगर मैंने एक वेरिएबल में एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी ऐड की, उसको जब मैं क्लोन करूँगा तो दूसरे में भी आ जाएगी वो, ठीक है। तो इस तरह का सीन है कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एरे और ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी क्लोनिंग हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल है आज के लिए नंबर वाला जो ये वाला ये तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल कॉपी बाई वैल्यू है। आज आपका सवाल ये कि उन्होंने कॉपी बाई रेफरेंस क्यों रखा, वो उसकी टेक्निकल डिटेल है, ज़रा वो लंबी है। ऑब्जेक्ट में ये रखना ज़रूरी था, ऑब्जेक्ट के अंदर ना कॉपी बाई वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट नहीं रख सकते थे। अच्छा, ये भी क्या होता है, ये क्लोनिंग भी ना, अभी तो मैंने कह दिया कि ये क्लोन हो गया, लेकिन ये क्लोन करना इतना आसान भी नहीं है। जब नेस्टेड एरे होता है या नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है तो ये क्लोन काम नहीं करता। वेल, अभी जब हम उस पर पहुँचेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। वेल, उसको अब उसके लिए लाइब्रेरी लेवल पे फंक्शंस बने हुए, जैसे मैंने लो डैश का जिक्र किया, तो लो डैश एक लाइब्रेरी, उन्होंने एक फंक्शन लिखा हुआ है जिन्होंने ईच एंड एवरी जो उसमें पॉसिबल सिनेरियो होते हैं ना, वो सबको कवर किया हुआ है। तो हम ये वाला अगर काम नहीं कर रहा, हम लो डैश वाला फंक्शन उठाएंगे, वो लगाएंगे, दैट्स इट। हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो क्लोनिंग जो है वो इसको किसी वजह से रखा गया है, वो टेक्निकल डिटेल है कि जी वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका भी असल में ताल्लुक इससे कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में किस तरह से स्टोर हुआ हुआ होता है, इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। तो होपफुली हम बहुत जल्दी हम उसको डिस्कस करने लगे कि मेमोरी के अंदर ना ये वेरिएबल किस तरह से स्टोर होते हैं। तो उसको समझने की वजह से ना ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे आपके जहनों में जो सवाल आते हैं ना, वो काफ़ी हद तक उससे भी क्लियर होंगे। और बावजूद इसके कि वो वाला टॉपिक ना काफ़ी कहीं पर भी कवर नहीं होता, मतलब वेरिएबल मेमोरी में किस तरह सेव हुआ है, जावास्क्रिप्ट में ये कोई भी नहीं पढ़ाता, पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता ये, ठीक है, ना किसी यूनिवर्सिटी में ना किसी इंस्टीट्यूट में। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उसको डिस्कस करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसते हैं, समझ आता है, मेक सेंस हो जाती हैं चीज़ें,
ठीक है, तो या तो कोई बहुत चालाक हूँ मैं जो दुनिया में किसी को अकल नहीं हो मुझे, या तो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं जो सबको पता है वो मुझे नहीं पता शायद। वेल तो जो भी है हम उसको डिस्कस करेंगे लेकिन यार, तो अच्छा किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो इसको हम यहाँ पे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसको जल्दी पुश करेंगे। हाँ इस कोड को मैं पुश कर देता हूँ अभी, और आप लोग ना ये कोड आपके पास आ गया, आप सब लोग अपने हाथ से ज़रा इसको करके देखें, ज़रा इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करें, और अगर किसी का कोई सवाल आता है तो हम 10 मिनट लास्ट के हम और देख लेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम कवर कर लेंगे उसमें। ठीक है जी, क्वेश्चन जो भी आपके पास आता जा रहा है उसको राइट डाउन करते जाएं। अभी 12:28 हो रहे हैं, तो 12:50 पर दोबारा मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है चलेंगे।